हाय बच्चों, मैं सीमा सलजानन आप सभी बच्चों का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल साई बेसिक्स पर वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्चरीज के बारे में, जो कि अगर सिलेबस की बात करें तो मैं एनईपी का सिलेबस फॉलो कर रही हूँ। तो ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड पेपर है इकोलॉजी आपका, जिसमें हम ऑलरेडी दो तीन वीडियोज डिटेल और देख चुके हैं और शॉर्ट्स के फॉर्म में भी देख चुके हैं जो रिविज़न पर्पज से। तो बच्चों, जो भी आपका यूजी और पीजी का प्लेलिस्ट अलग है और सीएसआईआर नेट का प्लेलिस्ट अलग है और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्लेलिस्ट अलग है, तो आप जिस सेमेस्टर के भी स्टूडेंट हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने अपने प्लेलिस्ट के थ्रू मूव करिएगा, ठीक है। तो एस्चरीज टर्म से क्या समझते हैं, तो वैसे तो मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में एक मिनट का इंट्रोडक्शन आपको बताया है, बट यहाँ हम डिटेल देखेंगे। तो एस्चरीज क्या होता है, ठीक है, एस्चरीज हम किसे कहते हैं, किस एरिया को कहते हैं? तो एस्चरीज आर पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी और ब्रैकिश वाटर। ये एक पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ ब्रैकिश वाटर, अगर वन लाइन डेफिनेशन कहें तो एस्चरीज कहलाता है, ठीक है। अब ये पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी क्या होता है, तो एन एस्चरीज इज अ पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर एंड सॉल्ट वाटर फ्रॉम ओशियंस मिक्सेस। एक तरफ से आपको क्या होता है, एक तरफ से आपका फ्रेश वाटर आता है, दूसरी तरफ से आपका सॉल्ट वाटर आता है। फ्रेश वाटर आपका कहाँ से आता है, रिवर से आता है, और सॉल्ट वाटर कहाँ से आता है, आपका ओशन से आता है। आपको पता है समुद्र में का पानी जो है वो खारा होता है, और नदी बहता हुआ पानी होता है वो कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो जिस एरिया में ये फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिक्स होता है उसी एरिया को हम एस्चरीज कहेंगे, ठीक है। और अगर बुकिश लैंग्वेज में आप जानना चाहते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल से, तो पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ ब्रैकिश वाटर को हम एस्चरीज कहेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने आपको समझाया। एस्चरीज फॉर्म्स अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन रिवर इन्वायरमेंट्स एंड मेराइन इन्वायरमेंट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन। एस्चरीज जो है वो क्या है, ट्रांजिशन जोन है। ऑब्वियस है कि एक तरफ रिवर से आ रहा है, दूसरी साइड आपका ओशन से आ रहा है, तो ये एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन रिवर इन्वायरमेंट एंड मेराइन इन्वायरमेंट। रिवर मीन्स फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट और मेराइन मीन्स सॉल्ट वाटर या फिर ओशंस इन्वायरमेंट। और ये एक एग्जाम्पल भी बन सकता है किसका, इकोटोन का, ठीक है। द मिक्सिंग ऑफ सी वाटर मीन्स समुद्र का पानी, द मिक्सिंग ऑफ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोथ इन वाटर कॉलम एंड इन सेडिमेंट, मेकिंग एस्चरीज एमंगेस्ट द मोस्ट प्रोडक्टिव नेचुरल हैबिटेट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये तो एक लैंग्वेज के फॉर्म में हो गया, अब हम तोड़ के इसे समझेंगे। मिक्सिंग ऑफ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर, ठीक है, उस एरिया को हम कहेंगे एस्चरीज। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत ही हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। वाटर कॉलम में भी प्रेजेंट होता है और सेडिमेंट मीन्स नीचे समुद्र के मतलब डाउनवर्ड, उसको सेडिमेंट, जब कोई चीज़ नीचे बैठ जाता है तो उसको सेडिमेंट कहते हैं। सेडिमेंट में जो न्यूट्रिएंट का लेवल है वो बहुत हाई होता है, जो कि एस्चरीज को क्या बनाता है, मोस्ट प्रोडक्टिव नेचुरल हैबिटेट इन द वर्ल्ड, क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स सर्वाइव करते हैं उस एरिया पे, एस्चरीज पे। अभी मैं आपको डायग्राम से भी शो करूँगी। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, मैं अगेन आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। तो फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर, फ्रेश वाटर जो नदियों से निकलती है, और सॉल्ट वाटर जो समुद्र से निकलते हैं, वहाँ जहाँ भी जिस एरिया पे मिक्स करते हैं उस एरिया को हम क्या कहते हैं, एस्चरीज कहते हैं। ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह होता है बिटवीन रिवर इन्वायरमेंट एंड मेराइन इन्वायरमेंट, और ये एक एग्जाम्पल बन सकता है किसका, इकोटोन का। और जो ये मिक्सिंग होता है सी वाटर और फ्रेश वाटर का, मीन समुद्र के पानी का और नदियों के पानी का, वो हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पर बहुत से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। और यही हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो इस एरिया को, एस्चरीज को मोस्ट प्रोडक्टिव बनाता है, ठीक है, जो कि एक नेचुरल हैबिटेट की तरह काम कर सकता है। अब और अच्छे से क्लियर हो गया, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या फिर जिन्हें इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, तो मैं उन्हें अच्छे से हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं, तो भले ही आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि लैंग्वेज का यूज़ करिए ही नहीं, कीवर्ड से, फ्लो चार्ट से, माइंड मैप के थ्रू पढ़िए, तो उसमें ज़्यादा लैंग्वेज आपको नहीं पढ़ना, समझने में दिक्कत होगी। बाकी हिंदी में मैं तो आपको समझा ही देती हूँ, आप चाहिए तो इस नोट से भी अपना एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर सेल्फ नोट भी बना सकते हैं। बाकी ये सारा पीडीएफ के फॉर्म में मैं शेयर कर दिया करती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, जो साई बेसिक्स के नाम से, जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो ये हो गया एस्चरीज।
अब ये दिखने में कैसा होता है? तो ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन सोर्स से ही डायग्राम लिया है। तो ये दिखने में ऐसा होता है एस्चरीज, ठीक है। अब कुछ की फीचर्स होते हैं एस्चरीज के, क्या क्या की फीचर्स होते हैं आइए देखते हैं। एस्चरीज आर कैरेक्टराइज्ड बाई अ रेंज ऑफ सेलिनिटीज फ्रॉम नियरली फ्रेश वाटर टू फुल्ली सेलाइन। तो ऑब्वियस है कि फ्रेश वाटर में जो है वो सेलिनिटी बहुत कम होगा और ओशन में बहुत ज़्यादा होगा। डिपेंडिंग ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है? तो टाइड, लहर जो उठती है, वेदर, मौसम पे डिपेंड करता है, और रिवर्स फ्लो, और नदियाँ किस फ्लो से आ रही है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सम की फीचर्स क्या हो सकता है आइए देखते हैं। सबसे पहला की फीचर्स है कि हाईली प्रोडक्टिव, जैसे कि अभी हमने बताया, क्योंकि न्यूट्रिएंट इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ड्यू टू न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट्स कैरीड बाई रिवर्स, जो कि रिवर्स के द्वारा कैरी किया जाता है, एस्चरीज आर मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन अर्थ। इस वजह से एस्चरीज को मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कहते हैं अर्थ पर, ठीक है। दीज एरियाज सपोर्ट्स डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल लाइफ एंड इंक्लूडिंग वेरियस फिशेज, बर्ड्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। और चूंकि न्यूट्रेंट लेवल यहाँ बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो प्लांट्स को, एनिमल्स को सर्वाइव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सारे प्लांट्स, एनिमल, फिशेज, बर्ड्स और इनवर्टिब्रेट सर्वाइव कर सकते हैं। तो पहला की फीचर क्या हो गया? हाईली प्रोडक्टिव, ठीक है। दूसरा की फीचर क्या है? दूसरा की फीचर है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? तो मेनी स्पेसीज यूज एस्चरीज एज अ ब्रीडिंग और एंड नर्सरी। ऑब्वियस है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रेंट लेवल होगा, तो इस एरिया को बहुत सारे स्पेसीज जो है एज अ ब्रीडिंग पर्पस और नर्सरी के लिए यूज़ करते हैं, नर्सरी ग्राउंड्स के लिए। मेनली माइग्रेटरी बर्ड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो सीजन के हिसाब से या फिर किसी वजह से जो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स रिलाई ऑन दीज एरियाज एज अ फीडिंग स्टॉक। माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो, उनको ये पता होता है कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट रिच मीडियम है, तो उनको यहाँ सर्वाइव करने में ज़्यादा आसानी होता है, तो एज अ फीडिंग स्टॉक्स के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एस्चरीज को। ये हो गया बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। तीसरा हो गया आपका फ्लड प्रोटेक्शन। फ्लड प्रोटेक्शन मीन्स जो बाढ़ जो आती हैं उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? तो एस्चरीज एक्ट्स एज अ बफर्स, ये एक बफर की तरह काम करता है अगेंस्ट स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स। जो नदियों में बहुत तेज़ लहरें, सुनामी जो आती हैं, बाढ़ जो आता है, उससे ये बचने में हेल्प करता है, क्योंकि एस्चरीज एक बफर की तरह काम करता है। द वेटलैंड्स एसोसिएटेड विद द एस्चरीज कैन एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। जो वेटलैंड, जो कीचड़ दलदल वाला जो एरिया होता है एस्चरीज में, वो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्टॉर्म्स एंड प्रोटेक्शन इनलैंड एरियाज। और क्या करता है कि ये जो सुनामी जैसा लहर जो उठता है बहुत तेज, तो इस स्टॉर्म्स से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये वाटर को सेटल डाउन कर देता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्टॉर्म्स एंड प्रोटेक्टिंग इनलैंड एरियाज, ठीक है। तो ये तो मैंने तीन की फीचर बताया आपको, और भी बहुत सारे हैं। तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, चूँकि आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन होना है, 2 घंटे का ही पेपर होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में इन डेप्थ अगर जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। तो अगर इसमें हमको 2 टॉपिक पढ़ना है, मैराइन शोर्स एंड एस्चरीज, हो सकता है कि एक फुल लेंथ लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए मैराइन शोर्स एंड एस्चरीज पे, या फिर अगर सिर्फ इंडिविजुअल एस्चरीज जब भी आएगा तो वो शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा, ठीक है। हो सकता है वेरी शॉर्ट में भी आ जाए, तो जैसा भी क्वेश्चन का डिमांड होगा आप उस हिसाब से आप अपना आंसर कर सकते हैं। हो सकता है इंडिविजुअली मैराइन शोर्स आ जाए, या फिर इंडिविजुअली आपका एस्चरीज आ जाए, एक्वाटिक इकोसिस्टम के ये दोनों पार्ट है, ठीक है। एक और डायग्राम देखिए, ये डायग्राम, ये भी आपको कैसा दिख रहा है? एस्चरीज है, ये भी एक एस्चरीज ही है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंस, अब इस एस्चरीज का इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, तो आइए देखते हैं। एस्चरीज प्रोवाइड, थोड़ा सा मैं इसे जूम करती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। एस्चरीज प्रोवाइड क्रिटिकल हैबिटेट फॉर मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, फिश एंड अदर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक है, किसका? एस्चरीज का। ये प्रोवाइड करता है हैबिटेट मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को, मैमल्स को, फिश को और अदर वाइल्ड लाइफ को, जैसा कि भी हमने बताया, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच एरिया होता है इस वजह से। एस्चरीज प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर टूरिज्म, फिशरीज एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट भी रखता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर एरिया लगता है दिखने में, तो टूरिज्म के लिए हेल्पफुल होता है, फिशरीज के लिए और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, दे आर ऑफन कॉल्ड नर्सरीज ऑफ द सी। ये
सी का नर्सरी भी कहलाता है. दे आर ऑफन कॉल्ड नर्सरीज ऑफ द सी बिकॉज मेनी मेराइन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन एस्चरीज ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट. क्योंकि बहुत सारे मेराइन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं एस्चरीज पे अपने डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गया. पहला न्यूट्रेंट रिच एरिया है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बर्ड्स, मैमल्स, फिश, बहुत सारे एनिमल सर्वाइव करेंगे, तो एक ये इंपॉर्टेंस हो गया. दूसरा, ये एरिया दिखने में बहुत सुंदर होता है तो ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, तो ये टूरिज्म के लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता है, फिशरीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए. तीसरा, ये नर्सरीज ऑफ द सी कहलाता है जहाँ मेराइन ऑर्गेनिज्म इस एरिया पर डिपेंड करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, आइए चौथा देखते हैं. एस्चरीज प्रोवाइड वेलेबल इन्वायरमेंट सर्विसेज बाई फिल्टरिंग आउट सेडिमेंट्स एंड पॉल्यूटेंट्स वाटर फ्लोइंग थ्रू वेटलैंड्स. तो ये जो एस्चरीज होता है ये बहुत ही वैल्यूबल इन्वायरमेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है. कैसे? तो ये फिल्टर आउट कर देता है कुछ, फिल्टरिंग आउट सेडिमेंट्स एंड पॉल्यूटेंट्स, ये पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर आउट कर देता है और वाटर फ्लोइंग थ्रू वेटलैंड्स, और इस एरिया से जो वाटर फ्लो करता है उसके साथ ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आगे की ओर चले जाते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, एस्चरीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज लाइक फिश, शेलफिश एंड एस्थेटिक वैल्यूज. तो ये जो एस्चरीज है वो ह्यूमन कम्युनिटीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये रिसोर्स होता है किसका, फिश का, शेलफिश का, और एस्थेटिक मीन्स कुछ मेडिसिनल एक्टिविटीज़ के लिए मेडिसिन भी यहाँ से जो पौधे ग्रो करते हैं वहाँ से लिए बनाए जा सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंस किसका, एस्चरीज का. अब ये मैंने ऑनलाइन सोर्स से लिया है, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है. आपको एक ही जगह जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर किया जा सकता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है. देखिए, ये लैंड क्लियरेंस है, यहाँ इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज, कुछ स्पीसीज इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, यहाँ मेराइन फार्मिंग है, यहाँ एग्रीकल्चर है, यहाँ रोड बिल्डिंग है, यहाँ मेरीनाज है, यहाँ प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री है, तो यहाँ फिशिंग हो रहा है. तो इस एक डायग्राम में सब कुछ अवेलेबल है. तो आप चाहें तो अपने नोट्स में सेल्फ प्रिपरेशन नोट अगर आप कर रहे हैं या फिर अगर पीडीएफ आप ले रहे हैं तो इस डायग्राम को एस्चरीज में ज़रूर इंक्लूड करिएगा. दो तीन बार प्रैक्टिस करिएगा, आराम से बन जाएगा, कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है. और एस्चरीज वाला एरिया जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो दिखने में कैसा लगता है, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है. ठीक है, तो एस्चरीज क्या होता है, इंट्रोडक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझाया. दिखने में कैसा होता है, तो ऐसा होता है. और कुछ की फीचर्स क्या हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है वो भी मैंने बताया. ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे हो सकते हैं यहाँ पर, इसके बारे में ये डायग्राम है. और जहाँ पर ह्यूमन सर्वाइव कर रहे होते हैं इस एरिया में, तो वो एरिया कैसा लगता है दिखने में, वो ये हो गया. ठीक है, तो बच्चों मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज करके आपको समझाने की कोशिश कर मैंने कोशिश किया है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी. और अब जो है सो नेट मैंडेटरी हो गया है किस किस चीज़ के लिए, तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, अगर आप जेआरएफ लेना चाहते हैं, रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अब तो बहुत हाइक हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए भी. और अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी. तो बहुत ही तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो आपके लिए, क्योंकि कैटेगराइज कर दिया गया है, जो सबसे हाई रैंकर होंगे उनको जेआरएफ मिलेगा, उसके बाद उससे नीचे वाले को एलएस मिस लेक्चररशिप मिलेगा, और उससे नीचे वालों को पीएचडी एंट्रेंस अब अलग से नहीं देना पड़ेगा, एक साल तक इसका वैल्यू रहेगा. तो बच्चों मैं कहूँगी कि अगर आप एमएससी में हैं तो आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एंड तक एमएससी होते होते आप अच्छे से सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर हो जाए. ठीक है, और ये जो यूजीसी है वो 8 सब्जेक्ट के लिए होता है, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. और साइंस सब्जेक्ट के लिए, जो फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, इस सब के लिए क्या होता है, सीएसआईआर नेट होता है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि अलग से एक चैनल बना दूं, लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम के नाम से मैंने ओपन भी किया था, बट मुझे लगा कि ज़्यादा इधर उधर करने से बेटर है कि एक ही चैनल पर फोकस किया जाए. तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट आपका अलग होगा सीएसआईआर नेट वालों के लिए, वहाँ से भी आप वन बाई वन प्रिपरेशन कर सकते हैं. और जो किसी भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन, जैसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसी नेट और सेट इक्विवेलेंट होता है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आपको महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जितने भी स्टेट हैं अभी तक, जैसे बिहार में तो सुनने में आया है कि बिहार में भी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है बेट, और झारखंड, बिहार झारखंड और यूपी में अभी तक नहीं होता है, झारखंड में भी 15-17 साल से नहीं रहा है, बाकी सारे स्टेट में, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सब जगह स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है.
तो मैं सारे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का मैं कोशिश करूँगी कि PYQs विथ कॉन्सेप्ट आपको वन बाई वन एक्सप्लेन कर दूँ। तो किसी स्टेट लेवल का भी आप एग्ज़ाम कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये चैनल हेल्पफुल होगा। CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो UGPG वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ऑलरेडी ये चैनल डेडिकेटेड है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। ठीक है, तो बच्चों मेरा ये पढ़ाने का तरीका एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता हो, कहीं से भी हेल्पफुल हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।